आज केदारनाथ आपदा को 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी उत्तराखंड में आए इस भयावह तबाही के निशान बाकी हैं। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस आपदा में अपने परिजनों को खोया और आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। इस तबाही में सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं हुआ तो वो था केदारनाथ क्षेत्र। आज केदारनाथ आपदा के 10वीं बरसी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुँचे। यहाँ उन्होंने आपदा के दौरान दिवंगत हुए यात्रियों को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया, साथ ही तीर्थ पुरोहितों व प्रशासन से यात्रा को लेकर भी जानकारी ली। चूंकि बड़ा 10 साल पहले त्रासदी का दिन था और इसमें जो भी देश विदेश के श्रद्धालु आए थे, हताहत हुए थे, दिवंगत हुए, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को, उनके आत्मा को शांति दें, उनके पारिवारिक जनों को, सबको उस दुख को जो असमय आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो यहाँ पर 10 सालों में तेजी से निर्माण कार्य हुआ है, बाबा केदार की कृपा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन में एक भव्य केदार और दिव्य केदार का निर्माण हुआ है, जहां पर आस्था पथ से लेकर ईशानेश्वर मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि और सुरक्षा वर्ग और आस्था पथ, ध्यान गुफा, ये सभी तेजी से बने हैं। और 2023 तक हमने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार की कृपा से ये काम सबके सहयोग से समय पर पूरा होगा। इस काम पे जितने भी हमारे मजदूर भाई लगे हुए हैं, कंपनियां लगी हुई हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हैं, जिन्होंने भी अपना सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का भी मैं धन्यवाद आज के अवसर पर।